कितना दिन से मना करत रहनी कि बारी मत निकलो, हमके सब पता रहला घरवा के कि दोनों जना के मुहैया लो। कहत रहनी तू घरवा से मत निकलो, कहीं चल जा। अच्छा, कल क्या हुआ था? कल क्या हुआ था? हम कहनी कि तू जा अकेले, कहत रहन कि हम ना सतुए लेके जाए, ना तो हम मर जाए, ना आईबे तो मर जाए। हम चल गए नी, उनका के उनकर भाई लिया दिए लो, हम अकेले रह गए नी होने। उनकर इंतजार करत करत कितना देर खड़ा रहनी, रोत रोत रे दादा तो हमरा के पकड़ के ले आई लो। कहलो घर कहाँ बता, तो हम अपन घर ना बतैनी कि हमार घरवा पीर हमरा के मुआ दियो सन। हम उनका मोहे चलिए नी यही घरवा है दादा, उनका के धोखा से मारल बाटे दादा। के मरले बा? हमार बाप मरले बा दादा। तो क्या चाहती हो आप इसलिए? हमार जान गईल बा, हम जान के बदले जान चाहिए, और फांसी चाहिए, ना तो खुद हम अपना हाथे मारे मोले के दादा। ऐसे सूरत दिया दिखा दी। अच्छा, कब से आप लोग रिलेशन में थे? हम लोग बचपन से थे। बचपन से मैंने कब से? बचपन से हम लोग साथ में पढ़े हैं, साथ में जाते हैं, साथ में खेले हैं, लोग 9th क्लास से ये सब हुआ है। अच्छा, हाँ। तो अभी क्या आप लोग जा रहे थे? अभी वो पापा लाए थे चाकू बाहर से मारने के लिए, हम इसको अलर्ट कर दिए थे कि कहीं मत जाना, कोई बुलाए तो मत जाना, चाहे हम भी रोके बुलाए तो कहीं मत आना, चले जाओ कुछ दिन के लिए, घर से बाहर मत निकालना। फिर भी वो मेरा बात नहीं माने, बोल रहे हैं कि हम जा अकेले नहीं जाएंगे, जाएंगे तो तुमको भी साथ लेकर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर नहीं आओगी तो देख लेना, कभी तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे, उसके बाद तुम्हारा कभी शक्ल नहीं देखोगी। और एक कह कर पूरा कर दिए वो। और हम गए यहाँ से, तब तक उनके भाई उनको लेकर चले आए, वो चले गए थे। तो उनके भाई को लगा कि उनके घर वालों को लगा गुस्सा होके गए हैं, तो उनके वो लेकर चले आए, उनको वो बताए भी नहीं, उसके उनके भाई लोग सब जानता है लोग, फिर भी उन लोग से नहीं बताया, चले आए घर पे। और हम रोते रोते आगे तक आगे तक वेट करते रहे, तब तक मीडिया वाले थे दो लोग, हमको बहुत टॉर्चर किए, तो हम बता दिए सब, तो हमको लेकर आए। तो अब घर पूछे तो हम अपने घर नहीं गए, सीधे इनके घर आ गए कि अपने घर जाएंगे तो हमको भी मार डालेंगे जान से, और कुछ दिन के बाद इनको भी मार देंगे। तो क्या आपके जो प्रेमी थे उनके घर वालों को पता था कि आप दोनों का प्रेम प्रसंग है? हाँ, उनको मालूम था? पता था, लेकिन उन लोगों को पता था कि छूट गया, अब नहीं बात करते हैं लोग। तो जब आप इनके घर में आ गए तो क्या उनकी माँ एक्सेप्ट कर ली? हाँ, उसी समय कर ली थी। अच्छा, वो भी कर लिए थे कि हाँ शादी करेंगे। अच्छा, आपके यहाँ आने के बाद ही सब हुआ है? हाँ, उनकी मम्मी आते आते हमको एक्सेप्ट कर ली थी, सब कोई कर लिया था। पापा उनको धोखा से बुलाए शादी की बात करने के लिए, सकारने के लिए। और लड़के को जब लाया गया सामने उनके, तो पूछे कि शादी करोगे, रख पाओगे? बस वो हाँ बोले, उसके बाद बोले ना एक नहीं छोड़े, चाकू मार दिए सबके सामने। खाली हाँ बोलने पर ही? हाँ, बस हाँ बोले, उसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाए, चाकू मार दिए। तो वहाँ क्या चल रहा था, वहाँ क्या हो रहा था, क्या फैसला हो रहा था? वहाँ बस फैसला हो रहा था, पूछे लड़का से शादी करेगा तो शादी करवा देंगे दोनों को कोर्ट मैरिज। उसके बाद तो मार दिए चाकू, तब तक कोई भी नहीं छुड़ाने जा रहा था, कोई भी हेल्प नहीं किया, तक कि लड़कों को हॉस्पिटल भी नहीं ले गए। पता नहीं कौन सा डॉक्टर आया था, उनको कौन सा इंजेक्शन लगाया था और टाका दे दिया था। अब उनका कोई लेकर नहीं जा रहा था, कोई नहीं लेकर गया, कोई नहीं, मुखिया सरपंच वार्ड गाँव के लोग कोई नहीं लेकर गया, यहाँ तक कि कोई अपना गाड़ी भी नहीं दे रहा था। लोग क्यों फंस जाएंगे, लोग फंस जाएंगे, लोग सबके वजह से लड़का का जान गया है, सबके वजह से, इसमें सबका दोष है। अच्छा, मुखिया सरपंच वार्ड सबको सबको ही कुछ नहीं बोला, ये पंचायत यहाँ तक के दौरान ही हुआ। यहाँ तक मारने के बाद भी आधा घंटे तक मेरा फैमिली रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तक हमसे भी पूछताछ करने गया था। वो पूछ बोले कि पापा डिंकी किए थे, हमको पता था, बोले कि घर पे चलो, हमको ये नहीं पता था कि उसको उनको चाकू लग गया, हमको बस ये पता था कि हाँ मारे हैं, हल्ला सुनाई दिया था, बोले कि घर पे चलो, उसके बाद तुम्हारा शादी करा देंगे इसी से। हम बोले कि बस नहीं जाएंगे, इतना में हमको भी मारे, सर पे चोट लगा, सर फूटा है मेरा। अब क्या चाहती हो तुम, अब क्या होगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा, बस हमको बदला के बदला बदला चाहिए, एक जान लिए है, हमको जान के बदले जान चाहिए। तुम्हारा अभी पूरा जीवन है ना, तो कैसे जीवन कटेगा तुम्हारा? हम यहीं पे रहेंगे अपने प्रेमी के घर। हाँ, विधवा बन गए, उनकी माँ एक बेटा खोई है, हम उन्हीं के बेटे के जगह पे रहेंगे। दोबारा शादी करोगे ना तुम?
हम शादी करें या ना हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ जब तक रहेंगे तब तक उनके, अब आगे उनका फैसला, हम अब आगे उनका फैसला है वो क्या करेंगे, लेकिन हमको बेटा बना के रखिए, हम बेटे बन के रहेंगे, उन्हीं के नाम पे रहेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, जिंदगी बहुत लंबी है, तो आप अभी उम्र भी नहीं है और आप अपने प्रेमी के घर में कैसे रह सकती हैं, वो लोग आज रखे हैं। जब रखने वालों को इंतजार थी, कोई इतराज नहीं है, तो और किसी को क्या होगा, जब वो बोल रहे हैं कि हम रखेंगे तो और किसी को कोई इतराज नहीं है, तो हम भी रहेंगे और हमको जान के बदले जान सी और कुछ नहीं।